कर लीजिए, क्योंकि ऐसी एजुकेशनल वीडियो आपके लगातार इस चैनल पर आती रहती है। तो अब बात करने वाले 24 सितंबर 2023 को DDA JSC के एग्जाम में, DDA यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के JSC का जो जूनियर सेक्रेटरी का लास्ट शिफ्ट का एग्जाम था, चौथी शिफ्ट का एग्जाम, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जीके जिस के क्वेश्चन में हम इसमें डिस्कस करते हैं, एक दो क्वेश्चन इंग्लिश का भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में पूछा गया था कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। तो नागालैंड का फेमस फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल, नागालैंड का फेमस फेस्टिवल है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से रिलेटेड क्वेश्चन था कि उसका जो फाइनल था, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल था वो कहाँ खेला गया था, किस सिटी में खेला गया, तो लंदन ओवल में खेला गया। ठीक है, अब विनर ऑफ IPL 2023, 2023 में जो IPL है, इंडियन प्रीमियर लीग है, IPL इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट का एक फॉर्मेट है, T20 फॉर्मेट। तो इसके बारे में क्वेश्चन था कि इसका विनर कौन था, तो विनर था CSK यानी कि चेन्नई सुपर किंग। और रनर अप, आई थिंक रनर अप का एक क्वेश्चन था, ये थोड़ा डाउट आप कन्फर्म कर लीजिए, इसलिए मैंने दोनों को इंक्लूड कर लिया। रनर अप कौन था IPL 2023 का, तो मतलब गुजरात और चेन्नई के बीच में था, चेन्नई जीता था, गुजरात हारा था, तो गुजरात इसका आंसर होना था। अब बारडोली की सत्याग्रह से रिलेटेड क्वेश्चन, बारडोली सत्याग्रह जो किसके द्वारा शुरू कराया गया है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा शुरू किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही आयरन मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, लोह पुरुष, और इनके ही जो स्टैचू बनाया है गुजरात में उसको बोलते हैं यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी। अब एक इंग्लिश का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इस टाइप का था कि स्क्विरल्स एंड नेस्ट, तो इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ड्रे, ड्रे DREY, DREY। आगे चलते हैं, ब्रेड बेकिंग इन पेंट्री, तो फिलिप था, तो फिलिप क्या, ये एक्चुअली प्रीपोजिशन सिर्फ ब्रेड बेकिंग इन पेंट्री। कन्नड़ न्यू ईयर के बारे में पूछा, कन्नड़ न्यू ईयर कब मनाया जाता है, तो उसका नाम होता है उगादी, उगादी होता है चैत्र मास का जो पहला दिन होता है, फर्स्ट डे ऑफ चैत्र मास है ना, हिंदी कैलेंडर की बात करें तो, इंग्लिश की बात करें तो मार्च या अप्रैल में आमतौर पर पड़ता है, उगादी बोलते हैं कन्नड़ नए न्यू ईयर को। अब दो उड़ीसा लैंग्वेज को कब शास्त्रीय भाषा के तौर पर अपनाया गया, तो 2014 में अपनाया गया, ये क्वेश्चन था। तो ये चौथी शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन थे जो DDA के एग्जाम में, JSA के एग्जाम में 24 सितंबर को पूछोगे। तो ये उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।